I'm the king, I'm the king, I'm the king, king Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. Your nanu says what? कि गुरुद्वारे के सामने एक भैया ऐसा स्टॉल सा लगा दिया, उनको बहुत अच्छी फ्रूट ट्री मिलती है, तो अभी हम उनको जाके ढूंढेंगे। ओके, बट अभी हम पाव भाजी खा रहे हैं। मतलब सस्पेंस के साथ सस्पेंस और पाव भाजी फिर से, मतलब मेरा तो पेट कभी नहीं भरता है। तो अब हम अपनी सर्च पे निकल चुके हैं। रिजुल के नानू ने बताया कि एक बहुत ही अमेजिंग अंकल है जो रिक्शा पे फ्रूट आइसक्रीम या समथिंग लाइक दैट बेचते हैं, और उनको अब हम ढूंढ रहे हैं। बट आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पीछे एक बहुत अमेजिंग व्यू है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वेट्स और ये वाला व्यू इतना अच्छा लग रहा है, और मेरे बाल इसके साथ इतने खराब लग रहे हैं। रुको, मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो रिजुल कोशिश कर रही है कि उसके नानू से बता पाए डायरेक्शन जो फ्रूट आइसक्रीम बेचने वाले भैया हैं, और वो अभी भी फ़ोन पे लगी हुई है, और मुझे उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बट मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करके हल्दीराम के साथ मोड़ पे तो दुकान वाले कोई बता पाएगा? ऐसे तो नहीं बता पाएगा कोई। तो मेरे रहस्यमय सूत्रों ने बताया है कि जो फ्रूट आइसक्रीम वाली थैली को रिजुल ढूंढ रही है, जो उसके नानू ने बताया है, वो 8 बजे आएंगे। तो हमें 8 बजे तक वेट करना है, और 8 बजने में कुछ 10-5 मिनट रह गए। तो हम गाड़ी में सामान रखने जा रहे हैं, जो कि लिटरली 2 बैग है, छोटे छोटे से, और जिसमें 500 ग्राम का वजन भी नहीं है, लेकिन इसके लिए वो सामान है। तो हम गाड़ी में रखेंगे, गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, और उसके बाद हम खाएंगे वो अमेजिंग सी आइसक्रीम जो रिजुल के नानू ने बताई है। सो रिजुल के नानू, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है, और मैं एक ही बार में खाने वाला हूँ। आहा, तो मैं कुछ हार्ड चीज़ मेरा है। और यहाँ पे रिजुल अच्छे काम करती हुई लोगों को इंस्पायर करती हुई लंगर के लिए इसने 101 रुपया दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। गुड बच्चा, गुड बच्चा। और फाइनली हमें ये भैया मिल गए। आप 8 बजे आते हैं? ये आपका स्टाइल है या स्वैग है? यही है टाइमिंग यही है। अब भैया, जितना मैंने सुना है ना, इसके नानू ने बताया है कि आप बहुत अच्छा सा कुछ बनाते हो। कुछ नहीं था, फ्रूट केक बनाते हैं। तो मुझे खिला दो यार अच्छी सी, ताकि मेरे को भी अच्छा सा लगे। जेली भी देते ना साथ में। पहले खिलाऊं? जो भी आपका मन हो, मैं सब खा जाऊंगा। और फ्री में आप खिलाओगे तो सारा ही खा जाऊंगा। सारा खा जाओ, फ्री है। आप 4 बंदे मिलके खा जाए तब भी फ्री है? किन 4 लोग काउंट कर रहे हैं? हम तो 2 ही है। इनको खिलाओ, मैं अपने घर के लिए पैक करा रही हूं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली विजुल के नानू की वजह से हम फ्रूट आइसक्रीम खा रहे हैं भाई। शुगर रश, पूरा शुगर रश, मस्त ट्राई। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंकल्स की शॉप होगी पुरानी दिल्ली में, और वो थोड़े से गोलू मोलू और क्यूट से हो गए होंगे। वो गोलू मोलू से और क्यूट से इसलिए हो गए क्योंकि पुरानी दिल्ली के अंदर फूड पैराडाइज है भाई। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी खा लो, कहीं भी रुक के खा लो, वो बहुत अमेजिंग है। चाहे वो पाव भाजी हो, चाहे वो लंगर का हलवा हो, प्रसाद हो, एनीथिंग। मतलब मैंने अभी एक फ्रूट क्रीम खाई है जो इतनी अमेजिंग है कि बता नहीं सकता। और भाई कितने में? 40 रुपीज़ में, और मैं पैक करा के भी लेके जा रहा हूँ घर पे। सो अगर आप पुरानी दिल्ली में हैं तो ये कहना बड़ा मुश्किल काम होगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप यहाँ पे एक दो दिन से ज़्यादा रह लिए ना, और आपके जेब में थोड़े बहुत ही पैसे हैं, तो आप ज़रूर गोलू मोलू दिखेंगे मेरी तरह। तो पुरानी दिल्ली जब आएँ तो अपने ज़बान पर लगाम लगा के आएँ, क्योंकि आप सब कुछ खाने के मूड में होंगे। और यहाँ पर इतना अच्छा खाना मिलता है कि अगर आपको मूड नहीं भी होगा ना खाना खाने का, तो आप एक्चुअली में खा ही जाओगे सब कुछ। खैर, ये सब तो सारी बातें हो गई, और रिजुल की शॉपिंग भी हो गई है। हमने थोड़ी सी फ्रूट क्रीम भी पैक करा ली है, और थैंक्स टू हर नानू क्योंकि उन्होंने हमें बताया एक अमेजिंग जगह। अच्छा व्लॉग, दैट्स अबाउट इट। मैं थक चुका हूँ और हम जा रहे हैं घर, एंड आई होप कि हमें कोई जाम ना मिले। छोटे लाल नाम है उनकी शॉप का, फ्रूट क्रीम छोटे लाल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लड्डूज एंड गोलगप्पास, मैड एडमिन मडोरेबल्स, ये था मेरा पूरा दिन रिजुल के साथ। और इन्होंने आज करनी थी शॉपिंग, और इन्होंने मुझे ऐसे मतलब बहला फुसला के मतलब किडनैप किया कि मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। इसने मुझे पूछा आप फ्री हो, और उसके बाद कुछ नहीं बताया, और सीधे हम पुरानी दिल्ली आ गए। और इन्होंने करी शॉपिंग अपनी 250 किलो की, जिसमें हमने सिर्फ 250 ग्राम सामान खरीदा, और उसको लेके हम पूरी पुरानी दिल्ली घूमे। हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यार ये जगह एक्चुअली में रॉ मटेरियल की हब तो है ही, लेकिन एक फूड पैराडाइज है। तो अगर आपके अंकल जिनकी शॉप यहाँ पर है वो गोलू मोलू दिखते हैं, तो उसका रीज़न ये कि यहाँ पर कुछ भी खा लोगे ना भाई, इतना अमेजिंग है कि मतलब आपको शुगर रश, फूड रश, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एंड अगर आप दिल्ली आए हैं और आपने पुरानी दिल्ली नहीं देखा है, और आपने यहाँ पर थोड़े धक्के नहीं खाए, तो आप एक्चुअली में दिल्ली में कभी जिए ही नहीं। तो प्लीज़ यहाँ आए पुरानी दिल्ली, और दिवाली आने वाली है तो यहाँ पर आके अपनी शॉपिंग करें, थोड़े पैसे बचाएं, थोड़े पैसे कमाएं, और थोड़े पैसे लुटाएं। एंड आपको सभी को मेरी तरफ से और रितुल की तरफ से बहुत बहुत एडवांस वाली हैप्पी दिवाली। I'm the king, I'm the king, I'm the king, I'm the king, king, Maddie, I'm the king.